चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आप सब ने अपना कॉपी पेन ले लिया। अगर आप अभी तक जो 8 वीडियोस हैं, 8 जो आपकी प्रैक्टिस मॉक सेशन आप कवर कर चुके हैं दोस्तों। हाँ, मैं एक छोटा सा इशू जरूर कहूँगा कि कुछ स्टूडेंट ये कंसिडर करते हैं कि सर सब्सक्राइबर्स आर क्वाइट लेस, व्यूज आर क्वाइट लेस। ऑब्वियसली चैनल नया है तो, पर लेकिन ये गारंटी है कि पेपर जरूर पास करवाएंगे दोस्तों। मैं अगर मैं अपने वीडियो की बात करूं, अपने सेशन की बात करूं इंग्लिश की दोस्तों, और तो दोस्तों इस कंसिडर को मत, इस व्यू को मत कंसिडर करिए कि अभी सब्सक्राइबर कम है। अभी स्टार्ट हुआ है दोस्तों, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। आप लोग बूस्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों, कुछ पैसे नहीं लगेंगे आपके। हाँ, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और वीडियोस बनाने के लिए दोस्तों। और आज का जो टाइटल है वो एक जो मिजोरम इलेक्शन है उससे रिलेटेड दोस्तों, और बहुत सारे एरर्स, कॉम्प्रिहेंशन क्लोज, जो भी मतलब जिस ढंग से भी आज बन पाता है उसी ढंग से बनाया जाता है और आज ही के सेशन से बनाया जाता है दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये मैं जरूर डिस्कस करूंगा कि एक सीईटी ऐप के ऊपर आपके लिए एक मॉक टेस्ट डाला गया जिसमें 231 टेस्ट है। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप दोस्तों, 231 टेस्ट पड़े हुए हैं, सेक्शन वाइज भी पड़े हुए हैं। एक बार आप विजिट करिए, डाउनलोड करिए, आपको आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि कितना वर्थी है ये। और बस दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बस जरूर डाउनलोड जरूर करिए दोस्तों। करते हैं स्टार्ट। तो आज एक्सप्रेस वे ने क्या कहा है उसको समझते हैं। वो कहता है इन मिजोरम रिंगिंग इन द न्यू, भाई नई घंटी बज रही है, क्लियर। अब वो जो नई घंटी बज रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो सबसे पहले जो कहता है कि ZPM भाई एक जो नई पार्टी है, फ्रेशनेस है स्ट्रक का कोड, मतलब उसने एक तरह से जो स्ट्रक का कोड एक तरह से फ्रेज है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो लोगों के साथ जुड़ा है, मतलब उन्होंने लोगों के साथ एक कनेक्शन डेवलप कर लिया है। द पार्टी विल बी वास्ट, लेकिन अब ये देखा जाएगा कि हाउ इट डिलीवर्स ऑन इट प्रोमिसेस, भाई वो अपने जो प्रोमिसेस हैं उनके ऊपर वो कैसा काम कर पाती है, इसको भी देखना बाकी रहेगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार मार्कर यूज कर लेते हैं, कुछ लाइनों को डिस्कस करते हैं। सो जोरम पीपल मूवमेंट जो भी हमने डिस्कस करा दोस्तों, ZPM, उसका स्लोगन क्या है, वोट फॉर अ चेंज, मतलब चेंज के लिए वोट करें, गिव दिस न्यू पार्टी अ चांस। शायद मैं भी अपने लिए भी यही कहूंगा, भाई अपने रिजल्ट के लिए चेंज करें इस नए, थोड़ा सा लगता है कि मार्कर टच्ड हो गया, तो जो नए कंसेप्ट है, मतलब नया जो हमारा चैनल है इसको इरेज कर देते हैं। हम भी यही कहेंगे कि नए चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, एक मौका दें, आपको रियल में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, खासकर इंग्लिश सेक्शन में। तो कहते हैं स्ट्रक अ कोड विद द पीपल, ये इसका मीनिंग है दोस्तों। ये एक idiom है एक्चुअल में, जिसका मतलब है कुछ कहना या कुछ करना जिससे लोगों में सिंपथी और एंथुजियाज्म कुछ भी आ सकता है, सहानुभूति या जोश। तो यहाँ तो जोश की बात करेंगे दोस्तों। ZPM ने जो है भाई 40 मेंबर स्टेट की असेंबली है जहां पर 27 सीट बैक करी है, मतलब जीती है दोस्तों, पुशिंग द रूलिंग, और इन्होंने पीछे कर दिया है मिजो नेशनल फ्रंट को टू द सेकंड स्पॉट। ऑब्वियसली 27 सीटें जीतने के बाद मेजोरिटी तो 21 की चाहिए थी। 1987 से पावर हैज चेंज, पावर जो थी मिजोरम की हमेशा दो पार्टी के बीच में रही, एक तो कांग्रेस और एक MNF, क्लियर दोस्तों। ये बहुत बढ़िया है आज का पैसेज है, आपको भी एक मैसेज मिलता है कि आप भी अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करें। एग्जाम दोस्तों इसी साल पास होगा दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं कि पैसेज यहाँ तक क्लियर हो गया हो दोस्तों। बस कॉपी पेन तैयार रखिएगा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये आगे हम दोस्तों आपके लिए कुछ ऐसे सेशन पे जहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगी दोस्तों, उसको समझते हैं, क्लियर है। एक बार मार्कर रख देते हैं भाई, ज्योग्राफिकल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो मिजोरम कहाँ पर है भाई, ये नॉर्थ ईस्ट में, इतना सब कोई पता ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो एजवाल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और वो कैपिटल सिटी भी है और सीट ऑफ गवर्नमेंट भी है, दोनों गाँव है। और इसका जो नाम है वो पढ़ लेते हैं, वो एक मिजो है जिसका मतलब होता है जो नेटिव वहाँ के लोग होते हैं उनको मिजो कहा जाता है, और राम या रैम जो भी कहें आप उसका मीनिंग है लैंड। तो इसका मतलब वो जो मिजो लैंग्वेज वाले जो लोग हैं उसी को लैंड ऑफ द मिजोस कहा गया दोस्तों, ये इसका मीनिंग है। ज्योग्राफिकल फीचर देख लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है भाई, 7 सिस्टर्स हैं उसमें से एक है, और इसके सदरन मोस्ट और
ये लैंड लोग हैं जहाँ पर आगे जमीन नहीं है, और ये तीन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, त्रिपुरा, आसाम एंड मणिपुर। और मिजोरम का जो एक 722 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनली कितनी वैल्यू है दोस्तों इसकी। द नेम रिफ्लेक्ट द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द मिजो, ये तो इसका हो गया कल्चर सिग्निफिकेंट। स्ट्रैटेजी देखा जाए तो अभी हमने बात करी ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू बांग्लादेश एंड म्यांमार, तो एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है भाई देश का। एक तरफ पाकिस्तान वाला जो एरिया है, जो गुजरात और कश्मीर वाला है, ऐसे अगर हम इस तरफ आएँ तो मिजोरम के साथ भी दो देश जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो इसलिए एक बहुत बढ़िया एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है देश के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो मेजर पार्टी हैं, एक तो आपने देख ली INC और BJP, ये तो देश की दो मेजर नेशनल पार्टी हैं। और रीजनल क्षेत्रीय पार्टी जिन्हें कहा जाता है उसमें MNF, ZPM, यही वाली पार्टी जो भी आज जीती है इस बार दोस्तों, जोरम नेशनल पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी PCP। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब इसके थोड़ा सा पैसे डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि 2018 के अंदर दोस्तों जब ZPM जो पार्टी थी उसको इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड भी नहीं हुई थी वो, और इसके जो कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंस के रूप में लड़े थे डिस्प्लेस द कांग्रेस, और उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया था। मेजर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी विनिंग 8 सीट और 8 सीट जीतने के बाद। क्लियर दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, मतलब 18 के अंदर मतलब इनका एक तरह से रूप नजर आया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका मेन आपका नाम तो SBI है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश सेशन है हमारा, कोई GS सेशन नहीं है। GS पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस जरूर करते हैं जितना मुझे लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए दोस्तों आपके पास मैं टाइमर नहीं लगा रहा हूँ, 1-1.5 मिनट है आपके पास, जरूर कंसिडर करिए दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं आपका टाइम स्टार्ट हो गया, इसलिए मैंने आपको कहा कि दोस्तों एक बार चैनल पे जरूर आए, एक बार पूरा वीडियो देखें, आपको रियलाइज होगा कि बिल्कुल एक डिफरेंट वे है ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और आज ही के एडिटोरियल से बनाया जाता है दोस्तों। शायद वीक में एक आधा दिन ऐसा होता है कि आई एम अनेबल टू मेक इट बिकॉज आई गॉट सम क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, एंड आई हैव टू मूव समवेयर एल्स। इसलिए मैंने ऐप के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, और आपके लिए एक छोटा सा क्विज सेट भी तैयार किया है दोस्तों, मॉक टेस्ट सेट किया बनाया गया है, और इसको मैं लास्ट 3 महीने से वर्कआउट कर रहा था दोस्तों। चलिए दोस्तों 3 ही क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आसान है, मतलब मैं फिर वही कहूँगा कि थोड़ा सा मॉडरेट और मतलब कॉम्प्लेक्स, मॉडरेट तो है अभी भी, इजी और मॉडरेट तो है ये, क्योंकि ये कलर के एग्जाम है दोस्तों, PO नहीं है। इसलिए एक माइंड में साइकोलॉजी डेवलप करके चलिए, आप SBI कलर जा रहे हैं। अच्छा कुछ लोग SBI PO वाला ही कलर में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बस SBI का सेक्शन बनाया हुआ कि कुछ भी आ जाए यही पढ़ाना है। अरे यार कलर और PO में डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा कंसिडर करिए भाई। आपकी जो हैंडसम अमाउंट है वो भी SBI PO में ज्यादा है, क्लर्क में उसके कंपैरेटिवली कम है। लेकिन स्टूडेंट को डराना मेरे को लगता है कि थोड़ा गलत होता है, कुछ लोग स्टूडेंट को डरा के ना अपने कोर्स भेजते हैं, अरे यार ये तरीका बहुत गलत है। हम ऑफलाइन टीचर हैं, हम तो हर एक स्टूडेंट को चाहते हैं कि बस पढ़े पढ़े और सिर्फ पढ़े और पेपर पास करे बस। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सो पहला ऑप्शन तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, जोरम पीपल मूवमेंट स्लोगन जो था वोट फॉर चेंज गिव दिस न्यू पार्टी ए चांस हैज स्ट्रक। अब ये तो पता ही है ना दोस्तों, हमें उसी की तरफ जाना है, वो जो हमारा एक EDM था। तो हमारा पहला आंसर हो गया कोर्ट दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, पुशिंग द रूलिंग मिजो NF टू द सेकेंड स्पॉट, भाई वो जीत गए थे। सिंस 1987 पावर हैज हैंड्स इन द स्टेट बिटवीन द कांग्रेस एंड MNF, भाई हमेशा दो दो बार ये लगातार जे जीते, कभी कांग्रेस कभी MNF, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या गया, पावर हैज ट्रांसफर्ड एक्सचेंज, भाई एक्सचेंज हुई है, एक्सरे देखा जाए या शिफ्ट हुई है या रोटेट हुई है, रोटेट तो बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। ट्रांसफर तो ऐसा करते हैं जैसे भाई तुम ले लो, ये तो होगा नहीं, तो ट्रांसफर गलत हो गया और रोटेट गलत हो गया, तो दो ऑप्शन है, एक्सचेंज कर रहे हैं भाई तुम हमें पार्टी दे दो हम तुम्हें ये देंगे, ये भी आंसर नहीं होगा।
चलिए दोस्तों, राइट आंसर है मेरे के शिव। चलिए थर्ड पर आते हैं। द पार्टी वाज स्टिल नॉट रजिस्टर्ड विद द ईसी एंड दिस डिस्प्लेस द कांग्रेस एंड मिजोरम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी विनिंग 8 पोजिशन सिचुएशन लोकेशन। तो क्या कहेंगे भाई, लोकेशन तो नहीं होंगे, प्लेसेस भी नहीं होगा, सिचुएशन और पोजिशन तो यार आसान है यार, पोजिशन तो जीती है उन्होंने 8। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये पहला पैसेज था दोस्तों आपकी। मैं बेसिकली आप अगर समझे तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आपकी अपनी जो एक स्किल्स है ना मेमोरी वाली, वो थोड़ी सी शार्प होना चाहिए। जो अभी पढ़ा है वही कि वही साथ के साथ एकदम क्लियर होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे और आगे आपका ये सेशन। चलिए अब वो क्या कहने की कोशिश करता देखते हैं। वो कहते हैं इस साल अप्रैल के अंदर जो नई पार्टी है ZPM, उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई वाज नो फ्लैश, मतलब वो एक चमक नहीं थी इन द पैन, मतलब पूरे एरिया के अंदर, बाय स्वीपिंग द पोल्स टू मिजोरम सेकंड लार्जेस्ट म्युनिसिपैलिटी। भाई उन्होंने मिजोरम की सेकंड लार्जेस्ट म्युनिसिपैलिटी के अंदर उन्होंने सारी इलेक्शन जीत लिए, मतलब उस जगह का नाम था लुंगलेई। अच्छा वेरी सॉरी, जो आई एम टॉकिंग टू मिजोरम पीपल, इफ सम टाइम माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट अप टू द मार्क, प्लीज कंसिडर बींग ए यू नो नॉर्थ इंडियन, मे बी माई लैंग्वेज में स्लिप और मे बी आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस माई रियल प्रोनाउंसिएशन एज यू जनरली स्पीक आउट। ओके चल, इट वॉन, और इन्होंने सारी जो 7 सीटें थी वो जीत ली। एक और जो लोकल काउंसिल हुए थे जम्बाक, मैं फिर वही कहूँगा, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, जम्बाक ऐसा कुछ कह सकते हैं, काउंसिल द सेम उसी मंथ के अंदर। अच्छा, और ये विक्ट्री जो है, ये पार्टी की जो विक्ट्री है, ये क्लेम ये दिखाती है, ये सिम्बॉलिक थी, मतलब बिल्कुल एक सिम्बॉलिक, क्या कहेंगे हिंदी में इसको, एक विचाराधीन थी, मतलब इस तरह एक इम्प्रेशन डाला इस पर। बिकॉज द एरिया, जो एरिया आता है वो इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी एज वन ईस्ट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है, मतलब जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के ईस्ट नंबर वन का पार्ट था दोस्तों, जहाँ पर ये पार्टी जीती दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ऐसा कुछ सोच के मुझे याद आता है जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में, जब मैं तो दिल्ली से ही हूँ, आम आदमी पार्टी ने जब कांग्रेस को हराया था दोस्तों, तो बिल्कुल वैसे ही कुछ सिनेरियो यहाँ नजर आ रहा है दोस्तों। सॉरी अगर मैं कुछ पॉलिटिकली गलत बोल जाऊँ, तो मैं तो इंग्लिश टीचर हूँ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास फिर कुछ अच्छा आ गया, आपके लिए एक एरर आ गया दोस्तों, बहुत बढ़िया एरर है, छोटा सा एरर है, 4 ऑप्शन दोस्तों, अभी पढ़ा है, अभी 10 सेकंड पहले ही पढ़ा है आपने, वही इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, ऑप्शन लिखनी होती है, सब करना होता है दोस्तों, क्वेश्चन भी बनाने होते हैं, लेकिन हमारा स्टूडेंट नया है, वो बस वही कॉपी पेस्ट वाले कंसेप्ट को पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है उसको, कहीं से कॉपी कहीं से पेस्ट उठा के जो यूट्यूबर हैं वो डाले जा रहे हैं, हमारा स्टूडेंट पढ़े जा रहा है। अरे ये लेटेस्ट है दोस्तों, ये कहीं से नहीं आया है, ये किसी बुक से नहीं आया है, किसी प्रीवियस ईयर से नहीं आया है, यही सब कुछ नया बनता है, आपको एक हैबिट बनाई जा रही है। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, मतलब एक इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, मतलब मैं कॉपी पेस्ट इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं इंग्लिश पढ़ने की बात कर रहा हूँ, देन ज्वाइन दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों आने वाले टाइम में, बहुत कुछ। चलिए मुझे लगता है मेरी बातों बातों में आपने कर तो लिया ही होगा दोस्तों। चलिए आसान सा आंसर है, ऑल 7 सीट, भाई 7 है तो साइज तो आना चाहिए था, और ऑल से पहले दा लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मुझे होल से पहले द होल लगाने की जरूरत है, लेकिन होल तो मेरा सिंगुलर यूनिट पे काम करता है दोस्तों, द होल क्लास इज एब्सेंट, समझ में आया दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया दोस्तों, डी पार्ट, तो मेरे पहले 3 तो गलत हो गए दोस्तों, 4th नंबर है, अगर आपका सही हुआ था दोस्तों बेस्ट लक है। चलिए आगे करते हैं दोस्तों, स्टार्ट, मतलब कितनी स्पीड से आप पढ़ते हैं, बिल्कुल छोटा सा सेशन बनाना चाह रहा हूँ, इससे थोड़ा सा स्पीड ही चल रहा हूँ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। वो कहता है कि जो ZPM विक्ट्री है, जो असेंबली इलेक्शन के अंदर, वो ये दिखाती है कि इसका मैसेज जो है रेजोनेट करता है, मतलब पूरी तरह गूंजता है अक्रॉस द स्टेट, नॉट जस्ट इन अर्बन एरिया, सिर्फ अर्बन एरिया, वो जो आइजवाल इनकी जो कैपिटल है वहाँ नहीं, इवन जो ग्रामीण एरिया है वहाँ का भी जीतता है। कहता है रन अप टू द इलेक्शन वाली जो मतलब वो प्रोसेस चल रहा था, जोरमथांगा ने ट्राई किया, मैं मार्क कर लेता हूँ, जोरमथांगा ने ट्राई किया टू प्रेजेंट हिमसेल्फ कि वो एक लीडर है स्टेट के, जो पीपल जो होता है एक तरह से, अब कहें तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा भी था, जो वहाँ की कम्युनिटी है, जो क्या कहें, जिसमें कई कम्युनिटी आती हैं, चिन हैं,
और कुकी लोग हैं, इन सब लोगों की कम्युनिटी है जो उन्होंने उनके साथ शेयर किया विद कम्युनिटी, उनके साथ वो अपना संबंध साझा भी करते हैं इन नेबरिंग मणिपुर एंड अक्रॉस द बॉर्डर म्यांमार, जो जिनके संबंध मणिपुर के नेबरिंग एरिया के साथ भी और म्यांमार के लोगों के साथ भी हैं जहाँ पर ये जो लोग रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रेजोनेट तो क्लियर हो गया दोस्तों, गूंजना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे दोस्तों। हमारा टारगेट तो दोस्तों क्लियर है, हमारा टारगेट है इंग्लिश और इंग्लिश और इंग्लिश। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक है। शायद हाँ, पहला साइनो है फिर एंटो है। साइनो एंटो ना देखे मुझे लगता है ये शब्द गलत हो गया, इसको हटा देते हैं हम, सिर्फ क्वेश्चन देखें बस। ये मुझे लगता है कहीं और से आ गया था दोस्तों। आप सिर्फ चारों ऑप्शन को देखें अभी, चलिए क्या भरते हैं आप वो देखते हैं दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, कोशिश करें फटाफट। अच्छा, हिंदी में मैंने लिख दिया, वो हिंदी थोड़ी बार में बताया था आपको, गूगल से उठाता हूँ दोस्तों। रेजोनेटेड मतलब वो साउंड गूंजना, अलग होना, डिटैच, अलग, हिंडेड, रोकना। ठीक है दोस्तों, कई जगह हिंदी बहुत खतरनाक हो जाती है तो मैंने इंग्लिश रख दी इस बार। चलिए दोस्तों, मेक इट फास्ट। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट, मेक इट फास्ट। उम्मीद करता हूं कि सही आंसर आएंगे आपके। चलिए, तो जोरम पीपल मूवमेंट जो स्लोगन था, वोट फॉर अ चेंज, गिव दिस न्यू पार्टी अ चांस, तो भाई आसान है, उन्होंने पीपल क्या कर दिया है, रेजोनेट डाइवर्स विद द पीपल ऑफ मिजोरम, डिटैच हिंडेड, तो भाई ये तीन वर्ड तो नेगेटिव है, तो उन्होंने तो रेजोनेट कर दिया दोस्तों। मेरा आंसर हो गया वही जो साउंड गूंज जाती है ना सबके साथ। ठीक है, दूसरा, 1987 से पावर हैज हैंड्स इन द स्टेट बिटवीन द कांग्रेस एंड एमएनएफ, तो वो कहता है दो दो बार इनके बीच में जो हुआ है, जो पार्टी है मतलब जो पावर है, सत्ता है, वो क्या हुई है, ग्रैस्प हुई है, एक्सचेंज हुई है, रिटेन हुई है, क्लैस्प हुई है। तो क्लैस्प तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, रिटेन बनाए रखना, एक्सचेंज Give and receive something in return, traders were grabs. तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? Since 1987, क्या ऑप्शन आपको लगता है कि बेस्ट हो सकता है? चलिए, राइट आंसर इज थर्ड। चलिए दोस्तों, आई होप कि दोनों क्वेश्चन सही होंगे, थोड़ा सा स्पीडी कर रहा हूँ मैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सही आंसर जाएंगे इस बार। चलिए, इस बार वन वर्ड आ गए और एक फ्रेजल वर्ब आ गया दोस्तों। कोशिश जरूर करिएगा, आपके पास टाइम है थोड़ा सा। मैंने इस बार मीनिंग डाल दी, मैंने हिंदी डालने की कोशिश करी तो मुझे लगा इधर खतरनाक हो जाएगा। अनराइटिंग जब आप किसी ऑयल को या लिक्विड को लगाते हैं, मतलब जब हम धार्मिक कार्य करते हैं, अशरफ तो सुने हो, अशरप्शन कहते हैं, वो नाउन बना दी है, वो कहता है किसी चीज़ को मतलब इलीगल ढंग से सत्ता को छीनना एक तरह से, ऑफन बाय फोर्स और विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, वैनिशिंग तो गायब हो जाना, डिसअपीयरेंस है, और इंटोनेशन किसी चीज का पर्सन की वॉइस का ऊपर नीचे होगा। ठीक है दोस्तों, फोर्थ पर आ गए। अब वो कहते हैं इस अप्रैल में, इस साल मतलब 2023 की बात कर रहे हैं, नई पार्टी, थोड़ा सा भी लाइट का इश्यू आएगा दोस्तों, एक जो बल्ब है हमारा लाइट है वो थोड़ा सा ऑफ हो गया। शोड इट्स परफॉर्मेंस वॉज नो फ्लैश इन द पैन, पैन का मतलब पूरा ऑल होता ना, क्लियर, जैसे पैन इंडिया कहते हैं ना दोस्तों, वही पैन इंडिया वाला पैन वाला सारा। बाय द पोस्ट मिजोरम सेकंड लार्जेस्ट म्यूनिसपालिटी लमलई, जो एक जगह थी वहां पर उन्होंने उनको डिफीट किया था, तो ये एक तरह से पूरा हरा देना, स्वीपिंग ऑफ, स्वीपिंग इन, स्वीपिंग अप और स्वीपिंग अवे, क्या कहेंगे दोस्तों? तो अभी देखिए, याद करिए आपने अभी अभी पढ़ा था दोस्तों, तो सोच के देखिए क्या हुआ था आंसर। चलिए, राइट आंसर इज स्वीपिंग इन। चलिए, स्वीप शॉट तो आपने सुना ही है ना, तो सफाया कर दिया था दोस्तों। चलिए, सूर्य कुमार यादव मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, बहुत बहुत ज्यादा स्विप शॉट मारते हैं। चलिए, आगे स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा होगा। चलिए, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, अब वो कहते हैं कि उन्होंने मना कर दिया
जो अभी मैं आपको नाम, मैं एक्चुअली नाम मुझे भी याद नहीं है अभी, क्योंकि हम इन नाम्स को जनरली अपनी लाइफ में बहुत कम इस तरह की यूज करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जोनथांगा की, ठीक है दोस्तों। चलिए, सो जोरमथांगा जी जिन्हें सेंटर के जो निर्देश थे उनको मानने से इनकार कर दिया। टुकलक सरकार ने कहा होगा कि जो म्यांमार रिफ्यूजीज हैं और उनका जो बायोमेट्रिक डाटा उसको कलेक्ट करिए, लेकिन उन्होंने जो कुकी जो पीपल थे, जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो मैंने आपको डिस्कस करा, उनकी एडवोकेसी मतलब उनकी तरफदारी करी इन एथनिक स्ट्रिक्ट ऑन मणिपुर, जो आपको मालूम ही है जो एक संप्रदाय वहाँ पर एक विवादग्रस्त इशू चल रहा था मणिपुर, और इसी कैंपेन में MNF लीन हैविली ऑन इट्स क्लेम। और जो MNF थी वो अपने क्लेम बींग ए चैंपियन जो आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी के रूप में उन्होंने MNF को एक तरफ दिखाया कि हम ही आपके चैंपियन हैं। अब ZPM ने क्या किया, ZPM कॉल फॉर चेंज, उन्होंने इसको एक बदलाव के रूप में देखा, इन कंट्रास्ट बिल्कुल उसके अपोजिट में उन्होंने वाज पावर्ड बाय इट्स फोकस, उन्होंने गवर्नेंस जो इश्यूज थे उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया। क्लियर हो दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। आपके लिए तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपका, और चारों चारों खा जा रहा दोस्तों, इसमें बिल्कुल बेसिक ग्रामर वाले क्वेश्चन आ गया। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक है, और उम्मीद करता हूँ कि 1-1.5 मिनट मैक्सिमम टाइम ये लगा दिया मैंने आपके लिए दोस्तों। चलिए गो अहेड, चारों सही कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आज बेसिक ग्रामर, बिल्कुल CHSL लेवल वाली ग्रामर यूज करी आज। चलिए उम्मीद करता हूँ कि 4 में से 4 स्कोर आना चाहिए दोस्तों। अब उम्मीद मत करना कि मैं आपके डिस्कस करूँ, शेयर करूँ, इस बार तो चारों ही कर डाला दोस्तों। Make it fast, guys. एक भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, भाई ये कोशिश जरूर करिएगा। चलिए गाइस, कोशिश जरूर करें भाई, कोशिश करेंगे इस बार कि 4 में से 4 हमारा स्कोर है दोस्तों। टेक योर टाइम। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है दोस्तों। चलिए, आई होप कि काफी टाइम मिल गया अभी तक आपको, कोशिश करें दोस्तों, कोशिश करें। चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, अब वो कहते हैं द जोरम पीपल्स मूवमेंट स्लोगन, वोट फॉर अ चेंज, गिव दिस न्यू पार्टी अ चांस, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों? अब ऑप्शन है हैशटैग, हैशटैग विद द पीपल ऑफ मिजोरम। अगर मैं यहां पर बात करता हूं हैशटैग और हैशटैग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो ये मतलब मिजोरम की पब्लिक को मतलब एक तरह से जो कमिटमेंट है या जो उनके स्पीचेस थी वो अट्रैक्ट कर चुकी हैं। अब स्लोगन तो एक ही है, तो इस वाला हैव तो नहीं आना चाहिए दोस्तों। स्ट्राइकिंग कब हो सकता था? स्ट्राइकिंग अगर मैं यूज करता हूं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, स्ट्राइकिंग करते हुए, लेकिन विद नहीं आना चाहिए फिर। और स्ट्राइक और सिमिलर के साथ ऐसा आता है दोस्तों। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया, मेरा पहला आंसर है स्ट्रक इज द राइट आंसर, और ये तीनों ऑप्शन मेरे गलत हो गए। चलिए दूसरे पे आते हैं। द ZPM विक्ट्री इन द असेंबली इलेक्शन शोज, विक्ट्री की बात कर रहे हैं इससे दोस्तों, शोज हो गया That its message resonates, resonate मतलब जो हमने सीखा था गूंजने के सेंस में दोस्तों, resonates across the state, not just in areas। याद है हमने एक जगह की बात करी थी भाई, वो खाली वहां नहीं है, वो बाकी एरिया में भी वो जीते हैं। तो अर्बेन तो बिल्कुल अलग भी नहीं हो गया अर्बेन, अर्बनाइज जिसको अर्बनाइज बनाया गया है, और हम तो एरियाज की बात कर रहे हैं, तो ये अर्बन तो सभ्य इंसान को कहते हैं, अर्बनाइज्ड आया गया, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों अर्बन एरियाज। थर्ड पर आते हैं,
इन अप्रैल दिस ईयर द न्यू पार्टी शोड इट्स परफॉर्मेंस, जो नई पार्टी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, वो इलेक्शन जीते थे स्टार्टिंग में आपको, वाज नो फ्लैश इन द पैन बाय स्वीपिंग द पोस्ट टू मिजोरम सेकंड लार्जेस्ट म्यूनिसिपैलिटी, जो लुंगलेई जगह पे जब उन्होंने इलेक्शन जीते थे, सातों की सातों सीट जीती दोस्तों, इट वॉन ऑल सेवन सीट्स इन द बाय इलेक्शन। अब उसने कहा येट, आपको याद है हम नेगेटिव में बोलते हैं, He hasn't come yet. दो का हिंदी होता है दोस्तों यद्यपि, डिस्पाइट और वाइट, दो अच्छे हैं, इसका मतलब येट तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, दो यद्यपि या हालांकि के सेंस में यूज करते हैं दोस्तों, तो पहली सेंटेंस भी पॉजिटिव है और अप्रैल में भी उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया ही है, इससे पहले भी जीते थे, फिर उसके बाद जो वो लुंगलेई के अंदर जो दूसरे म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुए वहां भी जीत गए। अब हमारे पास दो भी एक हमें कंट्रास्ट नहीं दिखा रहा है, डिस्पाइट के बावजूद और वाई, तो दोस्तों क्या यहां के बावजूद की बात कर पा रहे हैं भाई, कुछ नेगेटिव होता जैसे डिस्पाइट कैसे यूज किया जाता भाई, अजय इज नॉट माई फ्रेंड, अजय मेरा दोस्त नहीं है, डिस्पाइट, अब डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, डिस्पाइट के साथ विदाउट ऑफ, डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी ही हेल्प्ड मी, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर कुछ पहला नेगेटिव नहीं हुआ था, तो दोस्तों हमारा आंसर डन हो गया, ये सारी कहानी में आप ही के लिए कर रहा था ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों भाई। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, इन इट्स कैंपेन्स द MNF लीन हैवीली ऑन इट्स क्लेम और बींग ए चैंपियन ऑफ जो आइडेंटिटी, जो उनके नेता थे ना वो कह रहे थे कि भाई हम दो जो कम्युनिटी हैं जिनके बारे में बात की गई थी याद होगा आपको, द ZPM कॉल फॉर चेंज, और ZPM ने क्या कहा, एक पार्टी तो कह रही थी कि हम जो आइडेंटिटी वाले लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और ZPM ने थोड़ा सा बदलाव के लिए क्या किया, उन्होंने बिल्कुल अपोजिट में वाज पावर्ड इट्स बाय इट्स फोकस, उनका जो सारा फोकस था वो गवर्नमेंट इश्यूज पर था, गवर्नेंस इश्यूज पर था, जिसमें खासकर जो जो सरकारी की सैलरीज हैं उनका जो भी उनकी जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने पर था, तो क्या कहेंगे दोस्तों, बाय इट्स फोकस इन भाई इश्यूज में इन तो नहीं होगा, तो राइट आंसर एट भी नहीं होगा, फोर के लिए भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इज ऑन दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बिल्कुल सेशन क्लियर हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं, ये इसको पहले इरेज कर देते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं। चलिए अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब एक इंटरव्यू दिया गया एक न्यूज़पेपर के साथ, मतलब हम बीसी इंडियन एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, जो पार्टी का CM फेस है लाल डुहामा, मैं फिर सॉरी करूंगा अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है, अंडरलाइन, अच्छा इनकी तो मैंने कहानी पढ़ी थी, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर रहे ये, एक IAS ऑफिसर भी बने थे और इन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन करी, और शायद पहली बार कुछ ऐसा हुआ था जो हमारे जो पार्लियामेंट सिस्टम में था, इनको कुछ डिसक्वालीफाई भी किया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ पार्टी चेंज करी थी, ये भी पहला करेक्टर थे, ऐसा कुछ मैंने इनके बारे में पढ़ा था, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ये पूरा एक देखा जाए तो मिजोरम के वेलफेयर की ही बात कर रहे हैं, जब से जब ये 33 ईयर के थे जब इन्होंने पार्टी में ज्वाइन किया था, ठीक है। चलिए, और शायद इस समय वो 74 ईयर्स हैं, तो पार्टी का सीएम फेस लाल डुहामा अंडरलाइन दैट द ZPM वुड ब्रिंग इन सिस्टमेटिक चेंज, मतलब वो कहते हैं कि जो ZPM पार्टी उनकी जो है वो सिस्टमेटिक चेंज लाएगी, किस थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड लैंड रिफॉर्म, भाई एक लैंड रिफॉर्म और एक जो क्या बोलेंगे उसको, कार्य प्रणाली जो है ऑफिस की उसके ऊपर, और इन्होंने प्रॉमिस भी किया जो मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है ना, जिंजर अदरक टर्मरिक हल्दी चिली मिर्च और ब्रूम ग्रास, वो जो जिसे झाड़ू बनाए जाते, इन्होंने कहा इनके ऊपर हम MSP लेंगे, मतलब देंगे। ZPM लीडर जो है मेड करप्शन अ मेजर पोल इशू, ZPM लीडर मेड करप्शन मेजर पोल इशू एंड लिंक्ड इट, उन्होंने क्या करा, उन्होंने करप्शन जो एक
उसको एक पॉल इशू इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा बनाया, और उसे स्टेट के फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ, भाई स्टेट के ऊपर जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, विच हैज लेड टू फ्रीक्वेंट डिलेज इन डिस्बर्सल ऑफ सैलरीज। भाई सबसे बड़ा इशू वहां पर यही है कि जो सरकारी मुलाजिम है उसकी जो तनख्वाह है वो टाइम पर नहीं आती है, और रिटायरमेंट के उसको बेनिफिट नहीं मिल पाते, यही करप्शन की बात कर रहे हैं। टू गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द पास्ट 5 years, पिछले 5 सालों के अंदर उन्होंने ये सब चीजों को जोड़ दिया, किसके साथ, इलेक्शन के साथ। चलिए आगे देखते हैं। और डिस्बर्सल मतलब किसी को जो उसने काम किया उसी के लिए उसका जो अमाउंट देना है उसी को डिस्बर्सल कहते हैं, मतलब बेसिकली कहा जाता है एक तरह से आपकी पेमेंट। चलिए आगे चलते हैं, आने वाला है दोस्तों, कहीं पर जाइए, बहुत कुछ आने वाला है। अब आगे देखते हैं। अब वो कहते हैं कि पार्टी जो है आल्सो मेड एन अर्ली स्टार्ट, और पार्टी को पता था इलेक्शन आने वाले हैं, उन्होंने पहले इसके लिए कुछ स्टार्टिंग कर दी। टू द इलेक्शनरी प्रोसेस, अरे इंडियन एक्सप्रेस को सलूट है, क्या वर्ड यूज कर रहा है, इलेक्शन को भी डबे से इंजीनियर, वर्ड होता है ना इंजन से इंजीनियर बनाया, ऐसे इलेक्शन से इलेक्शनरिंग प्रोसेस, आप ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। स्टार्ट टू द इलेक्शनरिंग प्रोसेस, अगर मैं इलेक्शन प्रोसेस लिखता तो मुझे हाइफन लगाना पड़ता, तो वो कंपाउंड नाउन बन जाता। अब मैंने इलेक्शनरिंग प्रोसेस करके इसे एडजेक्टिव मान लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रोसेस मेरा नाउन हो गया दोस्तों। तो उन्होंने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया इलेक्शन का, बाय अनाउंसिंग द नेम्स ऑफ 39 ऑफ द 40 कैंडिडेट, भाई 40 कैंडिडेट खड़े होने थे, 40 सीटें आपने देखा ही होगा, 27 जीते हैं वो, तो 39 कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया। अरे इसका एक बेनिफिट होता, पूरी जो आपका डिपार्टमेंट होता है, आपकी जो पार्टी होती है उसमें एक एनर्जी आ जाती है, और इसमें जो आधे से ज्यादा वो लोग थे जिनकी उम्र 50 से कम थी, मतलब पूरा यंग ब्लड, मिडिल एज ब्लड जो था, तो उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया डिसीजन था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आपके आने वाले क्वेश्चन है, मुझे पता आप वेट ही वही कर रहे हैं। भाई जो नई गवर्नमेंट है, अब वो कहते हैं विल हैव इट्स टास्क कट आउट, भाई नई गवर्नमेंट को क्या करना, अरे क्वेश्चन आई है इसके बाद आने वाले हैं, तो मैं ये क्लिक करने वाला था आपके लिए मार्कर, विल हैव इट्स टास्क कट आउट, नई गवर्नमेंट जो है वो अपने जो टास्क है उसको कैसे इंट्रोड्यूस करती है, कटआउट मतलब दिखाती है। मिजोरम का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो जो सरकार का जो एवरेज है उससे ज्यादा है। भाई ड्रग एडिक्शन जो नशे की आदत है वो एक बहुत बड़ी समस्या है यूथ के अंदर, और एथनिक इशू जो है वो अक्रॉस स्टेट बॉर्डर से, मतलब जो जातीय संपर्क वो स्टेट बॉर्डर से कंटिन्यू है। टू पोज चैलेंजेस, वो चैलेंजेस क्रिएट करते रहते हैं, पोज का मतलब एक तो फोटो पोज वाला होता है, एक क्वेश्चन डालना भी होता है, क्वेश्चन क्रिएट करते हैं उसको भी पोज कहते हैं। अब वो कहते हैं कि ZPM विल बी वॉच्ड, अब ZPM को देखा जाएगा ऑन किस बात के ऊपर, हाउ इट डिलीवर्स, कैसे वो डिलीवर करती है ऑन इट्स प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस को, और ब्रिंगिंग अबाउट सिस्टमेटिक चेंज, क्योंकि उन्होंने पिछली बार पैसेज में बताया ना कि हम सिस्टमेटिक चेंज लाएंगे। क्लियर दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में उन्होंने बताया, इकोनॉमी वे में और लैंड वे में, तीन प्रकार के उन्होंने तरीके बताए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि अगर आपको ये पैसे समझ में आया तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए, कमर की पेटी बांध ले बस, अब आप आपका जहाज उड़ने वाला है, देखते हैं आप जहाज में बैठ पाते हैं या गिर जाते हैं, मतलब स्कोर अच्छा कर पाते हैं। चलिए दोस्तों ये आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए दोस्तों, मैं भी अपनी कमर की पेटी बांध लेता हूँ, थोड़ा सा और एक्टिव हो जाते हैं। चलिए एक एक करके चलते हैं दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक है, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल सही एग्जैक्ट स्कोर करेंगे दोस्तों। एक एक करके चलेंगे दोस्तों, शायद 5 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, मैं फिर वही कहूंगा दोस्तों, याद दिलाता रहता हूं यार, थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है, चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो, इतना बड़ा आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, शेयर कर दिया करो, कुछ तो फ्रेंड्स होंगे, लिंक शेयर करना, ऐसे स्टूडेंट ढूंढ नहीं पाता फिर। और उम्मीद करता हूं वो आपने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा साइड बाय साइड। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट,
पहला क्वेश्चन सर, एक एक करके चलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब वो कहते हैं किस वे में जेडपी विक्ट्री जो है इन द बाय इलेक्शन टू द जेम्बाक, वो जो एक छोटा सा उनका म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन हुआ था, लोकल काउंसिल भी कहते थे उसको, कैरी सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस, भाई वो वहां की जो विजय है, वहां जो जीत है, वो कैसे उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, चलिए क्या कहेंगे। इट डेमोस्ट्रेट अर्बन डोमिनेंस, इट सिक्योर्ड मेजोरिटी इन ऐजवाल ईस्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट शोकेस द जेडपी इन्फ्लुएंस, इट एम्फसाइज द पार्टी फोकस ऑन गवर्नेंस। चारों जो है काफी पॉजिटिव है और चारों सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें तो एग्जाम में एक ही ढूंढ के आना दोस्तों, क्या करें। तो हम यही कहेंगे यार भाई जेडपीएम को जो इन्फ्लुएंस था वही दिखा रहा था अर्बन एरियाज की, बिहार भी है मतलब रूरल एरियाज में भी है दोस्तों, तो यही इसका आंसर है। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया, आपका टाइम शुरू हो गया, टाइमर नहीं लगा रहा हूं मैं, विदाउट टेंशन मेक इट फास्ट। चलिए गाइस बहुत आसान है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, व्हाट इज द की फोकस ऑफ द जेडपीएम कॉल फॉर चेंज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बदलाव के लिए जेडपीएम का फोकस किस बात के ऊपर था। भाई जो आइडेंटिटी की एडवोकेटिंग तो वो नहीं कर रहे थे, ये तो याद है ना आपको, वो तो दूसरे वाले नेता कर रहे थे। आई विश कि आप करें। चलिए मिल गया होगा आंसर, राइट आंसर दोस्तों वो इकोनॉमिक और लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, याद होगा आपको, यही उनका सबसे बड़ा फोकस था दोस्तों। चलिए अकॉर्डिंग टू लाल डोमा जेडपीएम सीएम फेस, जिन्हें अब सीएम फेस के रूप में देखा जा रहा है, हाउ डज द पार्टी प्लान टू ब्रिंग अबाउट चेंज, वो क्या प्लान करती है चेंज लाने के लिए। ऑलमोस्ट पहले जैसे ही मिलता है, देखो कोशिश करिए सही आंसर देना दोस्तों। चले दोस्तों कोशिश करें, चले दोस्तों आंसर मिल गया होगा। अच्छा वो एक लाइट थोड़ा सा आज हमारा ऑटोमेटिकली जो ट्यूबलाइट थी वो ऑफ हो गई है, तो थोड़ा सा लाइट जो थी वो कम हो गई है रूम की, करते हैं स्टार्ट अभी, मतलब ये चलते चलते ही हुआ था कुछ देर पहले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सही आंसर आ गया होगा आपका, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये तीन क्वेश्चन थे सही आंसर आए होंगे, और ये आपके आगे लास्ट के दो क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि 5 बजे 5। चलिए दोस्तों भाई यही जोश बना के रखे दोस्तों, पेपर कंफर्म पास होगा एक ही बार में, आप क्लर्क बनेंगे, एक बार क्लर्क बन जाए उसके बाद हम वी कैन गो फॉर पीओ एग्जाम एज वेल, और क्योंकि एक जॉब आने के बाद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, जेब में अमाउंट होता है, तो एक शाम वाला बैच भी ज्वाइन किया जा सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन चाहे हाइब्रिड, क्लियर। और किसी फैकल्टीज भी कहेंगे सर मैं ऑलरेडी क्लर्क हूँ, तो वो आपको बहुत बढ़िया टिप्स देगा, वो भी चाहता है कि आप पीओ बन ही जाएं, लेकिन अभी आप क्लर्क पे फोकस रखें क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए और फिर बैंक में भी प्रायोरिटी मिलती है और पैकेज भी डबल हो जाता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। और अगर आप किसी मेट्रो सिटी में जाते हैं वहाँ तो सरकारी उनके फ्लैट्स भी होते हैं, जैसे दिल्ली में SBI कॉलोनी है तो वहीं फ्लैट मिल जाता है दोस्तों। मैं जा रहा हूँ कि आपकी फीलिंग और बढ़े क्योंकि कई सालों से यही काम करता आ रहा हूं दोस्तों। चलिए व्हाट चैलेंजेस डज द न्यू मिजोरम गवर्नमेंट फेस एज मेंशन इन द पैसेज, भाई जो नई सरकार बनने वाली बनी गई ऑलमोस्ट, तो वो क्या चैलेंजेस फेस करती है। तो भाई तीन इशू दिखाए गए थे हमें, तो एक तो यूथ जो है ड्रग एडिक्शन में है, यूथ बेरोजगार है, और एथनिक चैलेंजेस जो है बाकी स्टेट के साथ, जो हमारे उनके जो कल्चरल कहें आप या संप्रदाय से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, वो इस चैलेंजेस हैं दोस्तों, तो यही सबसे बड़े चैलेंजेस हैं दोस्तों।
ये चैलेंजेस है, और ये नीचे वाले जो है उनके वो फोकस है। ठीक है, दो अलग अलग आंसर है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ड्रग एडिक्शन, यूथ इश्यूज एंड एथनिक चैलेंजेस। नेक्स्ट बनाते हैं, व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन जेडपी में इलेक्शनरिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम द एमएनएफ एज मेंशन इन द पैसेज। भाई वो जेडपीएम की जो स्ट्रेटजी है उसको एमएनएफ से कैसे अलग करता है, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी जिससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, आप सोचें एक बार, फिर मैं आंसर देता हूं आपको। मिल गया आंसर, चलिए भाई, एक तो यही था भाई, उन्होंने अपने जो 40 में 39 जो अनाउंस कर दिए थे यही आंसर है, और उनकी एज भी कम थी, तो जोश, एनर्जी, जी, एंथू बहुत बढ़िया रहा, ऑब्वियस रिजल्ट अच्छा आ गया, मतलब जीत ही गए, सरकार ही बन गई दोस्तों, और यही इसका आंसर है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं आपका स्कोर 5 में से 5 रहा होगा दोस्तों, और अगर ऐसा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम अपना सेशन ओवर करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम भी क्रैक हो दोस्तों, और आप जल्द से जल्द अपनी जो वीकनेस है उस पर काम करें दोस्तों, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों यहाँ जय हिंद करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू।